Onun burnundan hisse bir akım kokuyor girdi. लेकर चलता जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ चलो। आओ पुत्र यहां बैठो। लो बस इस कुंड के जल को ग्रहण कर ठीक हो जाएगा। अरे मैं तो ठीक हो रहा हूं। वहां मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। मेरा शरीर एकदम ठीक हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे गुरुदेव आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। बस ये तो इस गोपाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरजसेन ने यह कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहां अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहर ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गई। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया जैसे गुर्जर प्रतिहार राजा मेहरपोज, कच्छप घाट वंश के राजा कीर्तिराज, हिंदी स्वराज्य के योद्धा और हिंदुस्तान के पाटिल राजर्षि महादजी सिंधिया। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। सुल्तानों के सुल्तान जिले सुभानी, हम कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला ना अबिले तस्खीर है। संगला किला संगीन चट्टानों से घिरा हुआ है हुजूर। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमांडबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने पर नाकाम रहे हैं। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो जिसने सारे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। जाओ, कहीं न कहीं इसकी कुलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो और किले पर हल्ला बोल दो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की लेकिन हर बार नाकाम रहे। चार दिन
किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी कर। सज सवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपने आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बांकुरे केसरिया बाड़ा पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिया। स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण राज शक्ति बन गया था। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे, उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल नहीं थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही, बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी तो देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। सुना है वहाँ रानियां सोने के खंभों पर लगी रेशम के झूले में झूलती हैं। राजा मान सिंह तो बस हर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी नन्नी और मान सिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं।
एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? हमारे पास लाया जाए। बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। तू महाराज से बात कर रही है? इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मेरे किनारे नहीं रखता हूं, हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु सरते हैं। ए बोड़ी, तू का महाराज को नहीं पहचानी? इनके सामने नजरें झुका के आधा से बात कर। शांत, आप बीच में मत बोलिए। शर्तें सुनना चाहेंगे, बताओ। महाराज, पहली शर्त, मैं न तो पर्दा में रहूंगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानी के संग। ठीक है। दूसरी शर्त, हमारी साख नदी ही हमारी शक्ति को कारण है। यो नदी को पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए होगो। तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों ना हो। आप जहां जहां जाओ मैं भी संग ही रहूंगी। मंजूर। राजा मान सिंह ने नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से रानी मृगनयनी घोषित किया। संगीत सीखा, दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मानसिंह और सिंह ने गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए। शास्त्रीय संगीत विधा में ध्रुपद का ऊंचा स्थान है। ध्रुपद के सृजन का सेना महाराज मानसिंह के ही समय देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरताल से गूंजने लगे। स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शीघ्र ही तोमर वंश के पूरे दिन आ गए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले के गिर्द घेरा डाल दिया। इस तरह पूरे 2 वर्ष गुजरे। 2 साल बीत गए हैं। रसदि खत्म होने की कगार पर है। एक समय यहां की आबो हवा संगीत और कला से सराबोर थी। अब ये आलम है कि तोप के गोलों की गूंज और तलवारों की खंकार में
मौत के खौफ तले सब कुछ दब गया है। पता नहीं कमबख्त गोलीबारी कब बंद करेगा, कितना गुबार उठ रहा है। लोधी सेना ने राजपूतों का सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। लोधी सेना किले में दाखिल हो गई। सेना को शिकस्त दी, फिर आगे बढ़ा और ग्वालियर के किले को फतेह किया। कभी युद्ध के साथ शांति और खून खराबे के साथ स्थिरता के दिन भी आए, जब तलवारों की खनखनाहट और युद्धों का उन्माद संगीत की लहरों और काव्य रस की सरिता में डूब गए। शहनशाह सूरी ने यह किला शहनशाह हुमायूं से छीन लिया था, मगर अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे जीत कर वापस हथिया लिया। मुगलिया काल में बेहट में विलक्षण प्रतिभा के एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम था रामतनु पांडे, जो बाद में मियां तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे तानसेन थे जिनके कारण शहनशाह अकबर की आमद रंग बहार सी खिल उठती थी, जश्न का आगाज हुआ करता था। किले को एक विशाल कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहां से किसी का निकलना मुश्किल था। इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहां विद्रोहियों और राजनैतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त
कैसे तेजी से गुजरता है। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। बड़े दुख की बात है, किसी महल के खूबसूरत सर्द खानों में कभी रानी महारानियां धूप की तपिश से बचकर आराम फरमाया करती थी। आज वही सर्द खाना फांसी खाने में तब्दील हो चुका है। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए हैं। मैं नहीं पीऊंगा, रहम करो मुझ पर, जबरदस्ती मत करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। कैसे नहीं पिएगा, पियो। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने ग्वालियर प्रवास पर शाही कैदियों की दुर्दशा को बयान करते हुए लिखा था कि यहाँ कैदियों को पोस्त पिलाई जाती थी, जिसे अफीम की डोड़ियों को पानी में भिगोकर बनाया जाता था। इसके असर से कैदी का शरीर धीरे धीरे सूख जाता था। जुल्म के शिकार कैदी अपना दिमाग खो बैठते और धीरे धीरे वे मौत की गोद में सो जाते। एक कैदी ऐसा भी था जो इस किले से जीवित बच निकला। वो और कोई नहीं बल्कि सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। सतगुर बंदे छोड़ है, सतगुर बंदे छोड़। मल्लिकान जहां के कहने पर शाहजहां जहांगीर ने उनकी रिहाई का फरमान जारी किया था। अरे भाई सुना कुछ, गुरु ने किले से अकेले यहाँ आकर जाने से इनकार कर दिया है। और शहंशाह ने कहा है कि जितने कैदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वो उनके साथ रिहा होकर जा सकते हैं। रात भर सभी लगे रहे गुरु के दामन के साथ, एक एक करके कई झाले में टांकी गई, लेकिन गुरु का दामन फैलता ही चला गया। इस तरह 52 कैदी उनके साथ रिहा हो गए। फिर कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान भर में अपनी हुकूमत स्थापित करने की कोशिशों के तहत अनेक रियासतें जीती। मुगलिया फौज लेकर जब वो दक्कन पहुंचा तो वहां उसका मुकाबला केसरिया सिंह मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से हुआ, जिन्होंने हिंदवी स्वराज यानी आजाद भारत का झंडा बुलंद किया था। छत्रपति शिवाजी ने एक फौज बनाई थी जिसमें शूरवीर सिंधिया योद्धाओं समेत अन्य मराठा वीर जुड़े। छत्रपति के सपने को साकार करने के लिए मराठा रणवीर रामजी सिंधिया मध्य भारत आए। उन्होंने मुगलों को हराया और उज्जैन को अपना गढ़ बनाया, महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज मुझे उज्जैन में महादेव का यह ध्वस्त महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कि 500 साल से उज्जैन नगरी में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन बंद है। मैं मालवा का मराठा सूबेदार राणोजी सिंधिया यह आज्ञा देता हूं कि महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ फिर से शुरू किया जाएगा। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, की मराठा सिंधिया की जय। वीर राणोजी के उपरांत उनके पुत्र महादेवजी सिंधिया ने स्वराज का केसरिया झंडा लेकर 1765 में ग्वालियर, 1771 में दिल्ली और उसके बाद लाहौर और अटक तक का इलाका जीत लिया और समस्त हिंदुस्तान में सिंधिया वंश का नाग निशानी भगवा ध्वज बुलंद किया। महादेवजी सिंधिया ने गुलाम भारत में फिर से स्वतंत्रता का डंका बजा दिया। मेरे साथियों,
आज सिंधिया फौज ने केसरिया झंडे के नीचे सभी हिंदुस्तानियों को एकत्र कर दिया है। हमने अफगानी सेना को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया है, मुगलों को अपनी शक्ति के अधीन कर दिया है। समस्त भारत में हमारी शक्ति स्थापित हो चुकी है। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को मारवा, सिरसी, भेलसा, गोहाद, सारंगपुर, कोलारस, शिवपुरी, इलाहाबाद, बड़गांध आदि स्थानों में पराजित कर दिया है, मगर अंग्रेज फिरंगियों का खतरा अभी टला नहीं है। मैं महादजी सिंधिया आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जब तक जीवित हूं अंग्रेजों से भारत को बचा कर रखूंगा। सुनो भाई, क्या तुम जानते हो महादजी सिंधिया को पानीपत के मैदान में किसने बचाया? एक मुसलमान बिश्ती राणे खान ने। यही तो भारतीय गंगा जमुनी सभ्यता की खूबसूरती है। मेरे जांबाज सिपाहियों, आज हम अपने बहादुर भाई राणे खान का आदर करने जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिलाया। आप सबको मालूम है इन्होंने पानीपत की युद्ध भूमि से मुझे कैसे बचाया। मैं उनको और उनके उत्तराधिकारियों को हवासी वारे की पदवी प्रदान करता हूं। हमारे और इनके परिवारों के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। महादजी सिंधिया ने उत्तर में आज के पाकिस्तान में स्थित अटक से लेकर कटक तक हिंदवी स्वराज स्थापित किया। अजमेर, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली, सरहिंद, ग्वालियर, अहमदनगर, भरूच और लाहौर जैसे अनेक शहर जीते, लेकिन आखिरकार द ग्रेट मराठा महादजी सिंधिया के वंशजों को अगर कोई शहर भाया तो वो ये शहर ग्वालियर था, जिसे महाराजा दौलतराव सिंधिया ने 1810 में अपनी राजधानी बनाया था। तुम लोग जानते हो आपने एक-एक बहुत खास काम के लिए चुना है। इधर का बागी लोग हमारा साथ देगा, वो दिखाएगा किधर से किला का दीवार पर चढ़ना है। तुम्हारा कपड़े के जूते से कोई आवाज नहीं आएगा, समझा? वो का किला हिंदुस्तान का चाबी है, इसको फतेह करना उतना ही जरूरी है जितना कि प्लासी की लड़ाई में हमारा जीत। लेकिन बाद में महादजी सिंधिया ने किले पर पुनः कब्जा कर लिया। उनके उत्तराधिकारियों की सैन्य शक्ति से अंग्रेज लगातार परेशान रहे। 1843 में दोनों सेनाओं का महाराजपुर में मुकाबला हुआ। सिंधिया की फौज अकेली लड़ी और नेस्त नाबूद हो गई। प्रगतिवादी मराठा साम्राज्य में नारी सशक्तिकरण की अद्भुत परंपरा थी, जिसमें लड़कियों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें राजनीति और युद्ध कला का ज्ञान दिया जाता था। इस परंपरा का अद्भुत उदाहरण थी सिंधिया परिवार की महारानी वीरांगना बैजाबाई सिंधिया। तलवारबाजी में निपुण वे बैंकर रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। सन 1857 में एक तरफ मेरठ में मुट्ठी भर सिपाहियों ने देश भर में स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी जलाई, दूसरी तरफ मराठा महाराज सिंधिया के नुमाइंदों के साथ हुए गुप्त विचार विमर्श के अनुसार और उनके आमंत्रण पर वीर तात्या तोपे, राव साहेब पेशवा और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर की सेनाओं ने
ग्वालियर आकर विद्रोह की कमान संभाली। कहते हैं महारानी ताराबाई सिंधिया के कहने पर हमारे जांबाज क्रांतिकारियों के लिए सिंधिया कोषालय खोल दिया गया था। अब अंग्रेजों से खुला युद्ध करना सिंधिया, जिसे अंग्रेज अभी भी शक की निगाहों से देखते थे, उनके लिए आत्महत्या के समान था। इसलिए ग्वालियर के किले को सिंधिया महाराज की सेना ने रानी झांसी को सौंप दिया था। लेकिन जब अंग्रेज शक्ति भारी पड़ रही थी, तब सिंधिया के नुमाइंदों ने रानी को ग्वालियर से सुरक्षित निकलने की सलाह दी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही, पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई नेवालकर ने आखिरी दम तक युद्ध करने की ठानी थी। अंग्रेजी सेनाएं लगातार पीछा करती रही, रानी के घोड़े ने जान दे दी। रानी बुरी तरह जख्मी हुई और वीर गति को प्राप्त हुई। बाद के वर्षों में मराठा सिंधिया राजवंश की छत्र छाए में ग्वालियर हलता फूलता रहा। उसके बाद ग्वालियर सिंधिया रियासत में कला संगीत कला नई ऊंचाइयों को छूने लगी। आधुनिक ग्वालियर के जन्मदाता माधवराव सिंधिया प्रथम थे, जिन्होंने ग्वालियर की प्राचीन परंपरा और हिंदवी स्वराज्य के मूल्यों को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूल खोले, ग्वालियर का वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास किया, फूलों के बाग बनवाए जो आज भी ग्वालियर को सुशोभित करते हैं। आज ग्वालियर में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं महाराजा माधवराव प्रथम की देन है, जैसे लाइट रेलवे, ग्वालियर चमड़ा कारखाना आदि। तो इस तरह ग्वालियर की महान यात्रा भारत की आजादी के साथ जारी रही। ग्वालियर आज भी कला सभ्यता और धर्म का एक केंद्र है। ये शहर जीवित है यहाँ बसे लोगों के कारण, यहाँ की जैव विविधता के कारण, प्रकृति के कारण और इस शहर को देखने आने वाले अनेक पर्यटकों के कारण, यानी आपके कारण। भारत के दिल में बसा ये पर्वत आपको प्रणाम करता है। Thank you.